हे डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एंगल से रिलेटेड सारे टर्म्स और समझेंगे कि एंगल्स कितने प्रकार से होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके क्या क्या अंग पार्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज एंगल्स का हम लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे आइए, यहाँ पे एंगल्स के बारे में लिखा हुआ है। ज्योमेट्री का टर्म्स है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे एंगल्स को हिंदी में बच्चे बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। यानी कि कोण के बारे में हम लोग समझेंगे। डेफिनेशंस पहले भी क्लास में हमने बता रखा है। इसमें देखिए क्या है, एंगल्स का डेफिनेशन क्या है। टू रेस मीट एट अ पॉइंट या तो कॉमन पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल। यानी कि एंगल कब बनता है, जब दो रेस आपस में मिलते हैं एक कॉमन पॉइंट पर, कॉमन वर्टेक्स पर। तो उस तरह से जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। आप देख सकते हो यहां पे इट इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस। ये एंगल का सिंबल है बच्चे। कितना है इसका? एंगल का सिंबल है। एंगल को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ए बी सी है तो इसको एंगल लिखेंगे, एंगल ए बी सी, या तो सिर्फ एंगल बी लिखेंगे, या तो बीच में जो हम लोग रखे हैं थीटा तो थीटा रखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोला जाता है। अब एंगल का डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा, और इसमें जानने लायक क्या है, तो इट हैज अ कॉमन वर्टेक्स। देखिए ये वर्टेक्स होता है, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, बी है। इट हैज टू आर्म या तो टू रेज, जिसको बोलते हैं बी ए और बी सी। रेज को कैसे बोलेंगे, बी ए और बी ए इधर हो गया और ये बी सी हो गया, तो इसका दो रेज हो गया या तो दो आर्म होगा, और ये कॉमन वर्टेक्स जो हो गया बी, दोनों का वर्टेक्स हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल हमारा बना, एंगल का अंदर वाला पार्ट जो है, आर्म के अंदर वाला जो पार्ट है वो सब के सब इंटीरियर कहलाएगा और ये वाला एक्सटीरियर कहलाएगा। तो एंगल्स में ये जानना है कि इंटीरियर पार्ट क्या होता है और एक्सटीरियर पार्ट, या तो रीजन बोल सकते हैं। तो ये इंटीरियर रीजन हो गया ये, और ये हो गया आपका एक्सटीरियर रीजन। समझ में आ गया बात? तो एक्सटीरियर और इंटीरियर रीजन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि कई तरह के एंगल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल्स के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो मेनली यहां पे सेवन टाइप्स है बच्चे। कितने टाइप्स है? सेवन टाइप्स है। आप देख सकते हो यहां से टाइप्स ऑफ एंगल्स में एक्यूट एंगल पहला है, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, तीसरा राइट एंगल, चौथा है रिफ्लेक्स, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल्स। तो ये सात तरह के एंगल्स आपको जानना जरूरी है कि सात तरह के एंगल्स होते हैं। अभी और भी हम लोग एंगल्स देखेंगे, जैसे एडजेसेंट एंगल, लिनियर पेयर एंगल्स, ये सब भी देखेंगे, लेकिन ये मेनली सात तरह के एंगल्स आपको दिया गया है। अब देखिए यहां पे बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जिसका जो मेजरमेंट है, जिसका मेजरमेंट कितना होगा, तो जीरो से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि द एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 बट मोर देन 0 डिग्री, यानी कि जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वैसे एंगल्स को बोला जाता है क्या, एक्यूट एंगल्स, और इसको डिग्री में लिखेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो x को डिनोट कर दिए हैं हम लोग एक्यूट एंगल से, तो यहां पे x जो होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। उसके बाद देखिए यहां पे क्या है, 45, 89, 87 एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका एक्यूट एंगल होगा। 89.9 भी एक्यूट एंगल होगा क्योंकि वो 90 से छोटा है। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, यानी कि द एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 180 और मोर देन 90 डिग्री। यहां पे भी हमने लिखा है कि 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो इस तरह के एंगल्स को ऑब्ट्यूस एंगल्स बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्स। आप देख सकते हो y का वैल्यू हमने 95 रखा है, 100 रखा है, 179 या तो 179.9 भी रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम और इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे, और भी जो पांच एंगल्स और बचे उसका भी डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम।